नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। दो मुई के साथ पिता पुत्र काबू। ये सर मैं यूट्यूब पे देखा सी कभी इन्हां दे पैसा मिल रहा है, इस करके की कारण की रहा भी कि मैं क्यों पैसा मिल रहा है सर। अंदर ते दिखाया यार ऐसे भी कहाँ इन्हां दी कीमत मिलती है, दवाइयां बन रही हैं। हाँ यार, मन के लालच जी सर। ऐसा तो पहला फड़ी है कभी ना सर। ये बेचने वास्ते कितने फिर तैयारी सी सर? कोई एलर्जी कॉन्टैक्ट नहीं सी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सी। कितने रखे हैं फल सर? ड्रम में सी करी सी। और कौन सी नाल कौन सी करी? नाल सर कोई नहीं सी, नहीं सी। पापा नहीं ना। अब और क्षेत्र में जंगली जीव रक्षा विभाग ने बीते दिन गांव मलुकपुर से पिता पुत्र को दो मई रखने के आरोप में काबू किया है। दोनों के खिलाफ जंगली जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई कर अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को मानवीय अदालत से पर्सनल बांड पर जमानत दे दिया है और दोनों दो मुहियों को सेंचुरी एरिया में छोड़ने के हुक्म दिए गए हैं। जानकारी देते हुए वन रेंज अफसर मंगत राम ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि मलुकपुर गांव में हरबंश सिंह के घर में अवैध रूप से जंगली जीव दो मुई रखी हुई है। इस बात की सूचना पाकर उन्होंने फॉरेस्टर रूपांश सिंह, फॉरेस्टर गार्ड कुलवंत सिंह, ब्लॉक ऑफिसर अनिता रानी, फॉरेस्टर गार्ड शिवालिंका रानी एम वेलदार महल सिंह की टीम सहित हरबंश सिंह के घर छापा मारकर तलाशी ली तो एक ड्रम में दो मुई रखी हुई मिली, जिन्हें बरामद करके हरबंश सिंह व उसके बेटे मनप्रीत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों पिता पुत्र पर जंगली जीव रक्षा एक्ट 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो 3 वर्ष की सजा एवं 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। उधर आरोपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि उसे दो मुई पकड़ने का आइडिया यूट्यूब को देख कर आया था, जिसमें बताया गया कि इससे दवाइयाँ बनती है और ऊंची कीमत मिलती है, इसलिए उसके मन में लालच आ गया और उसने दो मुई पकड़ कर रख ली। लेकिन अब यह आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। मंगत राम वन रेंज अफसर जंगली जीव अबोर। आज सर की चीज फड़े है? अज असी मिति 2/9 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਲੂਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੁਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰ 1900 ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।